आस्था श्रद्धा एवं नियम निष्ठा के महापर्व छठ के दूसरे दिन शनिवार की रात खरना व्रत का महाप्रसाद खाने के साथ ही व्यक्तियों की लगातार 36 घंटे का निर्जल आहार व्रत शुरू हो गया। अब व्रती सोमवार को उगते सूरज को अर्घ देने के बाद पहले पूजा अर्चना करेगी, तत्पश्चात प्रसाद ग्रहण कर व्रत का पालन करेगी। नियम निष्ठा वाले इस पर्व में परिवार को हर पल खास ख्याल रखना होता है। शुद्धता और सफाई पर्व की पहचान होती है। सूर्य उपासना के इस महान पर्व के प्रति लोगों की मनोकामना पूर्ण होने की बात कही जाती है। छठ व्रती ने बताया, इस पर्व में मिट्टी से बने चूल्हे पर आम की लकड़ी से महाखरना का प्रसाद बनाया गया। पर्व को लेकर पूरा क्षेत्र में छठी मैया के गीतों से गुंजायमान हो रहा है। शारदा सिन्हा के अलावे मैथिली के गायक संजीव कश्यप, मैथिली ठाकुर, अपूर्वा प्रियदर्शी जैसे गायिकाओं की गाय छठ गीतों से पूरा वातावरण भक्ति में बन गया है। हर घर, गली, मोहल्ले, चौक चौराहे, पान दुकान, इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर छठी मैया के गीत पूरे माहौल को भक्तिमय बना रहे हैं। छठ व्रतियों ने बताया कि खरना के मौके पर खीर के अलावे छठी मैया को चढ़ने वाली चपाती की भी तैयारी पूरी कर ली गई है। पर्व की निमित्त खरीदे गए गेहूं को व्रती महिलाओं ने नहाए खाए के दिन शुक्रवार को ही धोकर सुखा लिया। शनिवार को धुले हुए आटा चक्की मिलन पर गेहूं की पिसाई कराई गई। इसके अलावे खरना के प्रसाद में चढ़ाए जाने वाले खीर पूरी, केला, नारियल, शकरकंद, पत्ते वाली हल्दी, अदरक, नाशपाती, टाब नींबू, पान सुपारी, आरती पत्ता, सिंदूर, कपूर, कुमकुम, सुथनी, गन्ना, फूल एवं दूध से सूर्य उपासना की जाती है। ज्ञात हो कि आज संध्याकालीन एवं सोमवार की सुबह प्रातःकालीन अर्घ्य के साथ ही इस पर्व का समापन होगा।